नमस्कार, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंस्पिरेशनल गुरुजी। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम टाइमली सबसे पहले आपके लिए लाते रहते हैं वो खास खबरें, वो खास इन्फॉर्मेशन जो आपसे जुड़ी होती है। तो उसी के रिगार्डिंग दोस्तों आज लेकर आए हैं सीटेट की आंसर की कब तक अपलोड कर दी जाएगी, सीटेट 2018 की। तो दोस्तों तकरीबन 17 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था और वो सभी के सभी इस बार कर रहे हैं आंसर की के इंतजार का। 9 दिसंबर को आपका एग्जाम हो चुका है कंप्लीट। तो तकरीबन अगर माना जाए तो 5-10 दिन का एक ऐसा टाइम पीरियड होता है, 10 या 15 दिन का, तो उसमें डिक्लेयर कर दी जाती है आपकी आंसर की, अपलोड कर दी जाती है। लेकिन इस बार थोड़ी सी लेट हो रही है। पहले खबर आई थी कि 21 दिसंबर तक जारी कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा हो न सका। तो अब जो हम उस तारीख की तरफ, डेट की तरफ बढ़े, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताता हूं जिसके कारण ये देरी हो रही है संभवतः। एक तो पहली बार दोस्तों बात ये हो रही है कि तकरीबन ऑलमोस्ट 2 साल के गैप के बाद आपका एग्जाम सीटेट ने कंडक्ट किया और एक मैस नंबर में लोगों ने एग्जाम दिया। तकरीबन 70 लाख लोग का एक डाटा निकल कर आ रहा है जो कि एग्जाम के दौरान उपस्थित रहे। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये एक मतलब बहुत बड़ा नंबर है। हालांकि सारा प्रोसेस तो आपका जो CBSE है कंडक्ट कर सकता है इतना, लेकिन उसके लिए उसको जरूर टाइम की तो जरूरत पड़ेगी। लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो ये है कि आपका जो KVS का एग्ज़ाम है इस दौरान जो हुआ था 22 और 23 तारीख को, उसकी भी एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी आपकी दोस्तों CBSE है। तो CBSE को 2 मेजर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने पड़े एक ही महीने में और एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा ये चीज़ें हो जाती हैं। तो इसी कारण जो एग्ज़ाम है उसकी तारीख में थोड़े जो आंसर की है उसको अपलोड होने में से थोड़ा सा टाइम लगेगा। और जो एक और कारण है वो है दोस्तों, इस बार जो एग्ज़ाम था वो सब्जेक्ट वाइज नहीं था, यानी TGT का सिर्फ एक ही पैटर्न रहा एग्ज़ाम का, सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं थे, तो सभी के लिए कॉमन एग्ज़ाम रखा गया था। तो ये भी उसमें भी पूरी पूर्ण सतर्कता बरतने की कोशिश करेगा आंसर की अपलोड होने तक। तो दोस्तों ये कुछ विशेष कारण थे, लेकिन अब तारीख क्या रह सकती है। तो KVS का एग्ज़ाम कंडक्ट आपका हो चुका है, लेकिन वहां से एक और खबर आई है कि एक जगह पर एग्ज़ाम जो सुबह की पारी में या PRT के एग्ज़ाम में डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, जिसके कारण उसको दोबारा से कंडक्ट करवाया जाएगा CBSE द्वारा। तो ये एक थोड़ा सा रीज़न और है कि आपका जो CBSE है वो KVS के उस एग्जाम में थोड़ा सा बिजी रहेगा। तो आपकी जो कट ऑफ डेट आंसर की मैं आपको बता दूं तो दोस्तों वो 31 दिसंबर के आसपास रह सकती है। 31 दिसंबर को आपकी कट ऑफ आ सकती है। और एक ऑफिशियल न्यूज़ जो हमें कहीं से देखने को मिली, तो सीटेट प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने कहा कि अगले हफ्ते सीटेट 2018 परीक्षा आंसर की जारी की जाने की उम्मीद है। तो जब भी ये जारी होगी तो हम आपके लिए लेकर आएंगे वो स्पेशल जानकारी, लेकिन जिस भी दिन होगी वो 6 से 8 बजे के बीच में ही हो सकती है, ऐसा अमूमन होता है आंसर की के साथ। तो जब भी जैसे भी अपलोड हो तो आप आंसर की के लिए जाएं, आप CBSE की ऑफिशियल साइट पर जो CTET.NIC.IN है या CBSE.NIC.IN पर, फिर जो आपका राइट साइड है उसमें आपके आंसर की पर क्लिक करेंगे तो प्रिंट पर जाएंगे, फिर अपनी आवेदन संख्या, जन्म तिथि और विवरण सबमिट करेंगे तो स्क्रीन जो सीटेट आंसर की आपकी दिखाने लग जाएगी। इसको सेव कर सकते हैं, प्रिंट आउट ले सकते हैं और अपना जो आपका एक अंदाज़ा है, आपका जो क्या कहता है आपका स्कोर क्या रहेगा, वो आप अंदाजा अपना लगा सकते हैं। तो ये रहेगी सीटेट की आंसर की। हालांकि 90 मार्क्स इनका कट ऑफ क्राइटेरिया है, वो आपको लेने ही पड़ेंगे, तो अगर उतने बनते हैं तो आपके लिए अच्छी वेल बढ़िया खबर होगी। लेकिन ये कुछ हमारे पास रीजन निकल कर आए जिसमें लेट हो रही है आपकी सीटेट की आंसर की। तो इस खबर को जरूर अपने सीटेट के एक्सपीरियंस के पास पहुंचाने के लिए आपसे एक शेयर की मैं उम्मीद रखता हूं। साथ में आप वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। आपका दिन शुभ हो।